मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है कला शिक्षा शिक्षण। अष्टम पेपर पढ़ रहे हम, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है संगीत कला का शिक्षण। कल की जो क्लासे हुई थी, नेक्स्ट जो ऑनलाइन क्लासे हुई थी, उसमें मैंने आपको उसके में मिट्टी शिल्प का शिक्षण के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में और नृत्य कला शिक्षण और नृत्य कला शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्य के बारे में चर्चा की थी। आज इसी के आगे हम संगीत कला का शिक्षण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्तमान समय में विद्यालयों में संगीत शिक्षण को पूर्ण महत्व प्रदान किया गया है। विद्यालय के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो प्रार्थना सभाएं होती हैं, उस प्रार्थना सभाओं में भी हम संगीत के माध्यम से प्रार्थना सभा करते हैं, जिसमें हम हारमोनियम तबला आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, बाल सभा आयोजित करते हैं। इस प्रकार से विद्यालय के अंतर्गत जो संगीत कला है उस संगीत कला को पूर्ण महत्व प्रदान किया गया है। संगीत शिक्षण के द्वारा हम लिखेंगे, संगीत शिक्षण के द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार के कविताओं कविताओं विभिन्न प्रकार की कविताओं गीत लोकगीत गीत लोकगीत एवं भजन आदि का गायन सिखाया जाता है। यानी संगीत शिक्षण के द्वारा बालकों को हम विभिन्न प्रकार की जो कविताएं हैं, जो गीत है, जो लोकगीत है एवं भजन आदि का गायन सिखा सकते हैं। आगे बात कही गई है, संगीत शिक्षण का स्वरूप विद्यालय की प्रार्थना सभा में हमको स्पष्ट रूप से देखा मिलता है। यानी संगीत का जो स्वरूप है विद्यालय के अंतर्गत जो प्रार्थना सभाएं होती हैं उसमें देखते हैं हम, इसमें भी लिख देते हैं, संगीत शिक्षण का स्वरूप विद्यालय की प्रार्थना सभा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें बालक हारमोनियम तबला गिटार एवं ढोलक आदि का प्रयोग करते हुए प्रार्थना सभा में विभिन्न गीतों का गायन करते हैं, जिनका संबंध देशभक्ति
एवं ईश्वर भक्ति, देशभक्ति एवं ईश्वर भक्ति से होता है। यानी संगीत का शिक्षण के द्वारा बालकों को हम विभिन्न प्रकार की जो कविताएं होती है उसके लय ताल क्या होते हैं, गीतों के लय ताल क्या होते हैं, उसके अंदर कितनी मात्राएं लगती हैं, किस प्रकार से उसका गायन करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर आरोह अवरोह होता है, इसके बारे में गायन सिखाया जाता है। संगीत शिक्षण का स्वरूप विद्यालय की जो प्रार्थना सभा होती है, विद्यालय के अंदर जो प्रार्थना सभा होती है उस प्रार्थना सभा में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बालक उस प्रार्थना सभा में हारमोनियम के द्वारा, जैसे आदर्श विद्या मंदिर के अंदर प्रार्थना देखते हैं, उस प्रार्थना में जो हम बालकों को द्वारा प्रार्थना की जाती है उस प्रार्थना सभा में हारमोनियम का प्रयोग करते हैं। बालक गाते हुए हारमोनियम भी बजाते हैं, तबले का प्रयोग करते हैं, गिटार का प्रयोग करते हैं एवं ढोलक आदि का प्रयोग करते हुए प्रार्थना सभा में विभिन्न प्रकार के गीतों का गायन वादन करते हैं, जिनका संबंध देशभक्ति या ईश्वर भक्ति से होता है। यानी प्रार्थना सभा के अंतर्गत जो गीत गाते हैं या भजन करते हैं, जिनका संबंध हम देशभक्ति से भी होता है और ईश्वर की भक्ति से भी होता है। अब हम पढ़ेंगे संगीत कला शिक्षण के उद्देश्य। संगीत कला शिक्षण के उद्देश्य, संगीत कला शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं, एक दो उद्देश्य के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। संगीत कला शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका जो उद्देश्य है वो है कि संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के संदर्भ में छात्रों को पूर्ण जानकारी देना। पहला है संगीत के प्रमुख पक्ष गायन एवं वादन के बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान करना। पहला इसका उद्देश्य है कि संगीत के जो प्रमुख पक्ष हैं गायन एवं वादन, उसके संदर्भ में छात्रों को पूर्ण रूप से जानकारी देना, यानी जिससे छात्र दोनों के मध्य समन्वय के द्वारा संगीत कला में पूर्ण रूप से पारंगत बन सके तथा उचित प्रस्तुति कर सके। यानी किस प्रकार का जो वादन है, किस प्रकार का गायन है, उसमें किस प्रकार की मात्राएं लगती हैं, आरोह अवरोह कैसे होता है, ताल लय किस प्रकार की होगी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी छात्रों को देना ताकि आवश्यकता अनुसार वो उसमें उचित प्रस्तुतिकरण कर सके। दूसरा है छात्रों को एकल एवं सामूहिक गायन के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है छात्रों को एकल एवं सामूहिक गायन के संदर्भ में जानकारी प्रदान करना। दूसरा है कि छात्रों को एकल एवं सामूहिक गायन है उसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी या उचित जानकारी प्रदान करना, जिससे छात्र आवश्यकता के अनुसार एकल गायन एवं सामूहिक गायन में अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर सके। तीसरा है विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीत तात्मक कार्यक्रम में छात्र खुलकर अपनी सहभागिता प्रदर्शित कर सके। या तीसरा लिख सकते हैं विद्यालय में आयोजित होने वाले संगीत कार्यक्रम में छात्रों को अवसर प्रदान करना। यानी
विद्यालय के अंदर को जो संगीतात्मक कार्य होंगे उस कार्यक्रमों में छात्रा खुलकर अपनी सहभागिता दे सकेंगे और अपना प्रदर्शन कर सकेंगे तथा कार्यक्रमों में सफल बनाने में अपना सहयोग करेंगे। उसके अंदर का जो प्रार्थना सभा में जो इस कला का उचित प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है, छात्रों को संगीत कला के माध्यम से धार्मिक भजनों, लोकगीतों एवं सरगम का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है, छात्रों को संगीत कला के माध्यम से धार्मिक भजनों, लोकगीतों एवं सरगम का ज्ञान प्रदान करना। यानी धार्मिक जो भजन होते हैं, जो लोकगीत होते हैं, जो सरगम है, उनका छात्रों को ज्ञान प्रदान करना, जिससे छात्र अपनी जो सभ्यता है और जो अपनी कल्चर है और जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति का संरक्षण कर सके। यानी उसके द्वारा उसका कि अपने लोकगीतों को बचाए रखने के लिए विद्यालय के अंदर के लोकगीतों का गायन वादन करेंगे तो वो छात्र उस गायन वादनों से अवगत होंगे और आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में अवगत करा सकेंगे। इस प्रकार वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकेंगे तथा संगीत की विधाओं का उचित प्रस्तुतिकरण भी कर सकेंगे। पांचवा है, संगीत कला में विभिन्न उपकरणों का छात्रों को ज्ञान प्रदान करना। संगीत कला के माध्यम से संगीत के विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करना। यानी संगीत के जो विभिन्न उपकरण हैं, जो जैसे हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, वीणा है, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कौन से संगीत के अंतर्गत उनका कम प्रयोग ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा प्रयोग किस प्रकार से होगा, इसके बारे में छात्रों को जानकारी देना एवं एक संगीतज्ञ की कुशलता को संपन्न कर सके। और नेक्स्ट है, छात्रों को विभिन्न संगीतों के जीवन परिचय और संगीत के क्षेत्र में उसका योगदान कराना। नेक्स्ट हम लिखेंगे, छात्रों को विभिन्न संगीतज्ञों के जीवन से परिचय कराना एवं उनके योगदान का वर्णन करना। ठीक है, नेक्स्ट का है कि छात्रों को जो भी संगीतज्ञ हुए हैं, जैसे तानसेन हुए हैं, अलग अलग जो संगीतज्ञ हुए हैं अपने अपने संगीत क्षेत्र में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताना और संगीत के क्षेत्र में उनके क्या योगदान रहे हैं उनके ज्ञान को अवगत कराना, जिससे अनुकरणीय प्रक्रिया के द्वारा, यानी उनके अनुकरण के द्वारा जो उन्होंने जैसा कार्य किया है वैसे छात्र संगीत को सीखे, उनके अनुकरण को अपना सके, उनके अनुकरण के द्वारा वो संगीत कला में निपुण हो सके। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने संगीत कला के शिक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। हम नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है नाट्य कला का शिक्षण, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए यही तक, आप सभी को ध्यान सुनने के लिए धन्यवाद।